हमारे टेक्निकल विलास में आपका स्वागत है और मैं हूँ विलास। और आज की ट्रिक आपको स्पेशल बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि यह ट्रिक नहीं है यार, ऐसी बात है कि आप किसी भी जियो फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकाल सकते हो। इसके ऊपर मैंने आज वीडियोस बना रहा हूँ। तो इस माई जियो ऐप से आप कॉल डिटेल कैसे निकाल पाओगे, इसके बारे में आज का वीडियो से। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो चलो चलते वीडियोस की तरफ और फटाफट बता देते तो कैसे ट्रिक को यूज करना है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, फर्स्ट तो आपको आपका माई जियो ऐप्स ओपन करना है। नहीं मिलता तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करवा के ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो माई जियो ऐप्स को मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके पास एंटर पेज इस तरह से आ जाएगा। तो आपको ऊपर मोबाइल्स का ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला मोबाइल, तो इसे टैप करना है। इसे टैप करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरह से एंटर पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपकी स्क्रीन दिखाएंगी, आपको नीचे क्रॉल करना है। नीचे क्रॉल करते वक्त आपको यहाँ पे कई सारे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। इन ऑप्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें चाहिए माई स्टेटमेंट वाला ऑप्शन। माई स्टेटमेंट, तो इस माई स्टेटमेंट ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे बन जाता है आपका काम। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला काम है दोस्तों। आपको ऊपर के साइड में मिलती है पिछले कितने दिनों से, कितने महीनों से आपकी कॉल डिटेल्स को आपको डाउनलोड करवाना है। तो आप इस पे टैप करोगे जैसे, तो दोस्तों आपको चाहिए समझो ये 22 तारीख है, 22 तारीख से, मुझे तो 22 से नहीं है, आप गए महीने से मुझे चाहिए। तो मैं गए महीने से क्या करता हूँ, एक तारीख से लिखता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो एक मई से मेरी कॉल डिटेल्स अभी 28 तारीख तक मिल जाएगी, यहाँ पे 28 तारीख तक मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें इतनी डिटेल्स नहीं दिखाता, यहाँ पे देखिए ईमेल स्टेटमेंट, तो ये ईमेल स्टेटमेंट में हमें दे जाएगा बोल रहा है। तो इतनी तो नहीं मिलेगी, तो हम ठीक है इसे चेंज ही करेंगे। तो मैं पूरी क्या कर देता हूँ, 22 तारीख वाला ही लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने 22 तारीख को सेट कर लिया। तो हमारे पास और भी यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, ईमेल स्टेटमेंट, डाउनलोड स्टेटमेंट, व्यू स्टेटमेंट। तो आपको यही पे देखना है तो ठीक है। अगर डाउनलोड स्टेटमेंट करना है तो दो नंबर वाले ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। मैंने 22 और 28 दोनों से बीच में का मुझे स्टेटमेंट डाउनलोड करके देखना है। तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट। तो मैं सबमिट वाले ऑप्शंस को टैप कर लेता हूँ। तो आपके पास एक पीडीएफ फाइल्स बन के आ जाएगी दोस्तों। ओके फाइन, तो ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे कॉल डिटेल्स आ चुके हैं। तो पहले तो हमें इस तरह से हमारा ऊपर के साइड पे एंटर पेज दिखाएगा। नीचे क्रॉल करोगे दोस्तों तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस पढ़ के आएगी, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। और भी नीचे हम क्रॉल करेंगे तो भी यहाँ पे कुछ उल्टी सपोर्टेड हमारे फ़ोन का दिखाता है, एसटी कॉल्स वगैरह। यहाँ से हमारा यहाँ पे भी कुछ दिखाता है, मुझे नहीं मालूम। आपको कॉल डिटेल दिखवानी है ना दोस्तों, ठीक है ठीक है, यही से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से तारीख से इतने बीच में, समझो कि 28 से लेके मैंने कौन से तारीख को मैंने कहाँ पे कॉल किया था। तो ये यहाँ पे मेरी कॉल डिटेल्स आ चुकी है, मैंने कितने सेकंड, कितने मिनट यूज किए, कितने सेकंड बात किए, मेरा ये सब कुछ यहाँ पे कॉल डिटेल्स के थ्रू से आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपकी किसी भी नंबर्स के यहाँ पे कॉल डिटेल्स को यहाँ पे आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और कॉल डिटेल्स यहाँ पे आप जान सकते हो। जैसे आपको ज़रूरी है आपके कॉल डिटेल्स चेक करना तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो फाइंड। तो दोस्तों ये वीडियोस आपको कैसा लगा मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। और वीडियोस अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और नीचे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और आपको जितनी चाहे उतनी हेल्प करने की मैं कोशिश कर दूँगा दोस्तों। सिर्फ कमेंट करने की बात है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, ओके बाय।